सो स्टूडेंट्स, अब जान लेते हैं कूलम्स लॉ से जुड़ी कुछ खास बातें, ठीक है ना। कुछ सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट के बारे में बात करेंगे जो कूलम्स लॉ से जुड़ा हुआ है। कूलम्स लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ, जहाँ पर भी चार्ज होगा, जिस हालत में चार्ज होगा, तब कूलम्स लॉ को अप्लाई किया जा सकता है या कूलम्स लॉ अप्लाई होता है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, न्यूक्लियर बाइंड। जैसे कि न्यूक्लियस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखती है, तो उनके बीच में भी कौन सा फोर्स लगता है? कूलम्स फोर्स लगता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो कूलम्स लॉ को फॉलो करता है। दूसरा हम देखें वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल फोर्स क्या होता है? जब दो एटम आपस में जब जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, दो एटम्स जो आपस में जुड़े रहते हैं और जुड़कर जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, है ना। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो एटम आपस में मिल जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं, तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जो दो एटम आपस में जुड़े होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है, उसको हम वैंडरवाल फोर्स कहते हैं। लेकिन ये कूलम्स फोर्स की या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ही दूसरी फॉर्म है, ठीक है ना। इस पर अप्लाई जो होता है वो कूलम्स लॉ ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ थे, तो कूलम्स लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है ना। जहां पर भी चार्ज होगा तो दो चार्जेस के बीच में ये ही फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज के, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्स फोर्स। तो इलेक्ट्रो, जैसे कि कूलम्स ने जो लॉ दिया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए दिया है, ठीक है ना। हालांकि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, लेकिन क्योंकि कूलम्स ने इसके लिए लॉ दिया तो उस फोर्स का दूसरा नाम कूलम्स फोर्स भी बोल दिया गया। नहीं आई बात समझ में? तो कहीं कहीं पर अगर इसको कूलम्स फोर्स बोला जाता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। बस क्योंकि कूलम्स ने ये लॉ दिया है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दूसरा नाम जो है कूलम्स फोर्स हो गया, है ना, निकनेम हो गया। जैसे कहते हैं ना, सबके निकनेम होते हैं, उसी तरीके से इसका ये निकनेम हो गया, ठीक है, कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी, कूलम्स फोर्स की या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो रेंज होती है वो 10^-15, 10^-15 मतलब न्यूक्लियस के साइज के बराबर। न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, है ना, 10^-, न्यूक्लियस का साइज देखें तो जैसे इस टिप पर करोड़ों न्यूक्लियस आ सकते हैं इस टिप पर, ठीक है ना, इस टिप पर करोड़ों न्यूक्लियस। तो उस साइज से लेकर रेंज, यानी वहां पर भी अगर दो चार्जेज हैं तो उनके बीच में जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स लग रहा होगा। दूसरा 10^18 मीटर, है ना, 10^18 यानी बहुत ज़्यादा दूर है, तो अभी उनके बीच में जो है अगर दो चार्जेज हैं वो, और दो चार्ज जो हैं 10^18 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस 10^18 है, तो अभी ये फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। देखो, सेंट्रल फोर्स इसको बोलते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है और वो फोर्स उन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग है दो पॉइंट के बीच में, उसी डायरेक्शन में होता है या उसी के अलोंग होता है, तो उस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं, हमने इसमें देखा है कि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो ये इनकी पोजीशन है, तो ये फोर्स जो होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा। आरी बात समय, इधर उधर कहीं नहीं होगा, इसी लाइन के अलोंग होगा, ठीक है। तो जो कूलम्स फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं सेंट्रल? इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, क्योंकि दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होता है, यानी उसी लाइन के डायरेक्शन में होगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, होगा उसी लाइन की डायरेक्शन में, ठीक है। कूलम्स लॉ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चे 11th क्लास में भूल जाते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा ब्रीफली आपको बताऊंगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। पहले समझ ले, इसके बारे में देख लेते हैं कि कूलम्स फोर्स जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए मैं दोनों ले रहा हूँ बार बार नाम, आप इसको ध्यान रखिएगा। कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? क्या अगर उस फोर्स के इफेक्ट में जो वर्क होता है, ठीक है ना, उस फोर्स के इफेक्ट में जो वर्क होता है वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है ना, कि वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि इसके इफेक्ट में जो वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, यानी वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या वो किस पर डिपेंड करेगा? पोजिशंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जैसे कि समझ लेते हैं इसको, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई चार्ज है Q1, है ना,
और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, है ना, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और क्यू वन यहाँ से इसको यहाँ जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है, तो यहाँ पर जाने में इसको ऐसे गया या ऐसे गया या ऐसे गया, ठीक है ना। तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में इसको कुछ वर्क करना पड़ा होगा, क्या करना पड़ा होगा, वर्क करना पड़ा होगा। लेकिन अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाता है, तो जब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्क करना पड़ेगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये चार्ज यहाँ पर गया कैसे है, ऐसे गया है, ऐसे गया है या ऐसे गया है, ठीक है ना बेटा। वो केवल उनकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, अगर वो यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो चाहे ऐसे आए तब भी उतना वर्क होगा, इस तरीके से जाएगा तब भी वही वर्क होगा, और सीधे जाएगा तो भी वर्क वही होगा, और ऐसे जाएगा तब भी वर्क वही होगा, वर्क वही होगा। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। इट इज सिमेट्रिक, स्फेरिकल सिमेट्रिक, ये तो आपको कॉमन सी बात है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। स्फेरिकल सिमेट्रिक कैसे होता है, अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा है तो उसके उस स्फीयर बनेगा, उसके अंदर उसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें, इट ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ, सिंपल है, ये क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्या देखा हमने, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो ये जो ओवे करता है इनवर्स स्क्वायर को, क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस, बात आ गई समझ में। तो इट ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरी चीज देखते हैं, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। अब ऐसा नहीं है दो चार्ज रखे हुए हैं तो तीसरा अगर चार्ज आ गया तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चेंज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, कितने भी चार्ज हो, ये दोनों चार्ज अगर दो चार्ज रखे हुए हैं, इन्हीं की बात कहूं, ये दो चार्ज अगर रखे हुए हैं, मान लो कोई तीसरा चार्ज आ गया Q3, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा। तीसरे चार्ज के आने से इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स जो लग रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट ओवेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या करता है, अभी मैंने प्रूव भी करा था आपको इससे पहले, वो एग्जाम में टर्म एग्जाम में तो आपका आ ही सकता है, और टेस्ट में भी आपका आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना, आपके टर्म एग्जाम्स के लिए। तो वो क्या करता है, न्यूटन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्स फोर्स है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। वो क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है अगर Q1 चार्ज Q2 पर एफ फोर्स लगाता है तो Q2 भी Q1 पर एफ फोर्स ही लगाए, यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, ठीक है बेटा। ये अब एक लिमिटेशन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल में पूछी जा सकती है और आपके मल्टीपल चॉइस में पूछी जा सकती है, इसको ध्यान से। कूलम्स लॉ की एक लिमिटेशन है, कूलम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है, ध्यान रखना, कूलम्स लॉ हमेशा क्या लगता है, पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर करते हैं, ये प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी हैं, कॉन्सेप्चुअल में पूछ ली जा सकती हैं, ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक को देख। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कंपेरिजन बिटवीन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या हम ये बोल सकते हैं क्या हमारा जो कंपैरिजन हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में हो रहा है, देखते हैं क्या है। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो इक्वल्स होता है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। वहीं पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो बराबर होता है Gm1m2 ओवर आर स्क्वायर। दोनों के दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने एक कंडीशन ली, एक स्टैंडर्ड कंडीशन ली, हमने दो चार्ज लिए Q1 और Q2, दोनों पर जो चार्ज है वो 1 कूलम का है, कितना चार्ज है 1 कूलम, और दोनों का मास भी 1 कूलम है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो देखते हैं दोनों फोर्स कितने आएंगे।
इसमें हमें पता है जो के की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है, उसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वहीं जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम निकालते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितना होगा, तो 9 × k की वैल्यू रखेंगे, 9 × 10⁻¹, बाकी सारी चीज़ें 1 है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया वो आ गया 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन। वहीं इसी तरीके से अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो Fg इक्वल टू आएगा 6.67 × 10⁻¹⁹ न्यूटन। अब देखते हैं दोनों का कंपैरिजन करने के लिए हम दोनों का रेशियो निकालेंगे। हमने क्या निकाला, रेशियो निकाला किस किस का, Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस और Fg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दोज टू चार्जेस। अब क्या करा हमने कि हमने करा दोनों का डिवाइड कर दिया Fe ओवर Fg, दोनों को जब हमने दोनों की वैल्यू रखी Fe इक्वल्स टू 9 × 10⁻¹⁹ Fg इक्वल्स टू 6.67 × 10⁻¹ⁱ दोनों को डिवाइड किया है तो 1.35 × 10⁻¹⁰ आया, तो 1.35 × 10⁻¹⁰ इसको जब इधर ले जाएंगे जी, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा, 10⁻²० टाइम्स ज़्यादा। नहीं यार ये बात समझो, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻²० टाइम्स ज़्यादा है। इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत हल्का सा एग्जांपल। आप ऐसा करो, एक पेपर के पीस करो और उसको जो है इस टेबल पर रख दिया आपने, बचपन में करा है, और आप जो है स्केल को अपने सूखे वालों से अगर आप घिसेंगे और करेंगे तो वो क्या करेगा, स्केल एक जरा सा स्केल उन पेपर्स को उठा लेगा, नहीं उठा लेगा, ठीक है, चिपक जाते हैं। यानी कि उन जो पेपर है उन पेपर पे तो अर्थ फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो अर्थ फोर्स लगाती है सारे ऑब्जेक्ट्स पे, यानी कि पूरी अर्थ ने जो पेपर पे फोर्स लगाया वो केवल एक स्केल ने, एक स्केल का फोर्स भी अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स था स्केल का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से काफी कम था, इसलिए तो वो पेपर जो है से आपके स्केल से चिपक जाते हैं, नहीं आई प्लास्टिक के स्केल से चिपक जाते हैं। तो क्या कहना है, कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा बड़ा होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि मान लीजिए काफी सारे चार्जेस प्रेजेंस हैं कहीं, ठीक है ना, काफी सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं और किसी एक चार्ज पर बाकी सारे चार्जेस मिलकर कितना फोर्स लगाएंगे उसके लिए ये प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो एक चार्ज है, ठीक है ना, उस पर जो फोर्स होगा विच इज एट रेस्ट, रेस्ट में है ना, तो चार्ज विच इज एट रेस्ट, ठीक है ना, उससे जो बाकी के सारे जो फोर्स लगा रहे होंगे चार्जेस वो जो होगा उस पर जो फोर्स होगा वो बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस बाय ऑल अदर चार्जेस ऑन दैट चार्ज। आई बस कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए काफी सारे चार्जेस हैं, ये चार्ज है क्यू नॉट, और एक चार्ज आ गया, मान लो ये आ गया आपका क्यू वन, ये आ गया आपका क्यू टू, और ये आ गया मान लो आपका क्यू थ्री, और यहाँ पे कोई चार्ज हो गया क्यू एन। नहीं आई बस समझ में, ये चार्ज है, तीन चार्ज ले लिया हमने, इसी से हमें पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, तो हम देखते हैं एक एक करके, तो Q नॉट पर जो फोर्स लगा रहा होगा Q1 वो ऐसे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं Qn, ठीक है ना। उसी तरीके से Q2 जो Q नॉट पर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। डायग्राम को ध्यान से देखना बेटा, तो ये वाला जो फोर्स हो गया ये तो हो गया F नॉट 1, F नॉट 1 का मतलब हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट बाय 1, ये वाला फोर्स हो गया क्या हो गया, आप लोग खुद आइडिया लगाइए, F नॉट 2, ये वाला फोर्स कितना हो गया F नॉट 2। उसी तरीके से ये वाला जो चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा ये आएगा F नॉट 3। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। अब मान लो कोई nth चार्ज है तो वो इस पर जो फोर्स लगाएगा इस तरफ लगाएगा और ये फोर्स हो गया F नॉट n। नहीं आई बात समझ में, तो ये सारे चार्जेस इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली अगर देखें, हमने अभी माना सिंपलिसिटी के लिए सारे के सारे चार्जेस जो हैं
लाइक चार्जेस, यानी सब सब जो है लाइक है, या तो सारे पॉजिटिव है या सारे नेगेटिव है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम, तो क्यू नॉट, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, इस पे जो फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन लगेगा, तो इस वाली डिस्टेंस को क्या मानेंगे हम, आर टू वन, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेना है हमें बेटा, ये आर टू वन हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, क्योंकि टू से वन, और ये वाली देखें वन, तो ये हो जाएगी आर, सॉरी आर टू वन नहीं, टू नॉट, टू से नॉट तक की डिस्टेंस, ये वन से नॉट तक की डिस्टेंस हो जाएगी, कोई फोर्स इस तरफ लगेगा वन से नॉट तक की डिस्टेंस, ठीक है बेटा। ये थ्री से नॉट तक की डिस्टेंस हो जाएगी, और ये एन से नॉट तक की डिस्टेंस हो जाएगी। ये एन नॉट क्यों लिए, क्योंकि जब इसमें दोनों सेम चार्ज होगा तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी टू से लेके नॉट तक, तो इसलिए हमने टू नॉट लिया है। ये भी दोनों सेम चार्ज है, तो ये वाला चार्ज जो है क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा इस तरफ फोर्स लगाए, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वन से लेके नॉट तक, इसी तरीके से ये सारी होंगी। तो डायग्राम को ध्यान से देखें, ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, क्या बोलता है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट विल बी इक्वल्स टू, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम, ठीक है ना। फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट बाय वन प्लस फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट बाय टू प्लस फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट बाय थ्री एंड सो ऑन अप टू एन। नहीं आई बात समझ, और थोड़ा थोड़ा करके सबकी वैल्यू निकालते हैं, क्या निकल कर आती है हम देखते हैं। एफ नॉट वन कितना निकल कर आएगा, एफ नॉट वन निकल कर आएगा के क्यू नॉट क्यू वन ओवर, डायरेक्शन क्या है हमारी, डायरेक्शन है ये वन चार्ज, देखो वन चार्ज कहाँ है, ये रहा आर वन नॉट, आर वन नॉट का होल स्क्वायर और आर वन नॉट, ये हमने डायरेक्शन दे दी, ठीक है ना। आर वन नॉट से हमने इसकी डायरेक्शन दे दी, क्योंकि वो कहां से, वन से नॉट की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है बेटा। ऐसे ही आर नॉट टू यानी फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट बाय टू इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू नॉट क्यू टू ओवर आर टू नॉट का होल स्क्वायर और आर टू नॉट कैप। उसी तरीके से फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट बाई थ्री इक्वल्स टू के क्यू नॉट क्यू थ्री ओवर आर थ्री नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, और आर थ्री नॉट कैप एंड सो ऑन। कहाँ तक, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट बाय क्यू एन विल बी इक्वल्स टू के क्यू नॉट क्यू एन ओवर आर एन नॉट का होल स्क्वायर और आर एन नॉट कैप। नहीं आई बात समझ, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा, इन सब के सम के, तो सबकी वैल्यू रख देंगे तो के कॉमन आ जाएगा, के हमारा कॉमन आ गया, ये हो गया क्यू नॉट क्यू वन ओवर आर वन नॉट का होल स्क्वायर आर वन नॉट कैप प्लस क्यू नॉट क्यू टू ओवर आर टू नॉट का होल स्क्वायर और आर टू नॉट का कैप प्लस क्यू नॉट क्यू थ्री ओवर आर थ्री नॉट का होल स्क्वायर डॉट आर थ्री नॉट का कैप अप टू कहाँ तक, क्यू नॉट क्यू एन ओवर आर एन नॉट का होल स्क्वायर डॉट आर एन नॉट का कैप। नहीं आई बात समझ में, ठीक है, बात आई समझ में। चलिए इसको एक तरीका और है, ठीक है ना। अब इसको सम्मेशन की फॉर्म में अगर लिखें, के की वैल्यू लिख सकते हैं हम यहाँ पर, एफ नॉट इक्वल्स टू के की वैल्यू होगी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको सम्मेशन की फॉर्म में लिखेंगे। सम्मेशन क्या लिखा था, आई इक्वल्स टू मान लीजिए हम वन से लेके एन तक करते हैं, तो जहां पर भी वेरिएबल चेंज हो रहा है उनकी जगह हम वेरिएबल चेंज कर देंगे, तो क्या आएगा सम्मेशन में, क्या आ जाएगा, क्यू नॉट क्यू आई ओवर आर आई नॉट का होल स्क्वायर इंटू आर आई नॉट का कैप। नहीं आई बात समझ में, इस तरीके, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। अच्छा, ये अभी तो इतना यूज नहीं होगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें इसका काफ़ी यूज़ होगा, तब हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि ये क्या। तब तक के लिए आप इसको तैयार कीजिए,
चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इस वीडियो का ये आखिरी टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी अब जितना भी आप ये अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने वाले हो ना, उसमें बार बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बार बार आएगा, कैपेसिटर में आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था डाई इलेक्ट्रिक जो है इंसुलेटर्स का ही दूसरा नाम है, यानी कि अगर उनका ही हम कुछ उसके बारे में कुछ बात होगी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे मैंने पहले अभी बता चुका हूँ इसी वीडियो में आगे कि दो चार्ज रखे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो होगा, अगर कुछ नहीं है तो हम कहेंगे उसके बीच में एयर या वैक्यूम है। एयर या वैक्यूम भी एक मीडियम माना जाता है, नहीं आती बात समझ में। एयर हो या उसके बीच में हम पानी रख दें, उसके बीच में वुड रख दें, उसके बीच में ग्लास रख दें, ये सारे के सारे क्या मीडियम है, नहीं आ रही बात समझ में। ये एक मीडियम है, ये कैसे मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये एक इंसुलेटिंग मीडियम है, ठीक है। तो अब इनके बारे में बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता क्या है, चलो देखते हैं थोड़ा समझते हैं। फॉर एयर अगर दो चार्जेस हैं, मान लीजिए एक चार्ज है क्यू वन और दूसरा चार्ज है क्यू टू और उनके बीच में एयर है, क्या है एयर, दोनों के बीच में एयर है, तो एयर है तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये एयर है, ठीक है ना, अगर एयर है तो के की वैल्यू होती है 1/4πε0, क्या होती है 1/4πε0। ये एप्सिलॉन नॉट जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है। दोबारा से समझ लेते हैं, परमिटिविटी का मतलब है कि अगर दो चार्ज रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो मीडियम है वो कितना अलाउ कर रहा है फोर्स को, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है ना। ठीक है, तो उसकी वजह से ही, उस मीडियम की वजह से ही फोर्स कम या ज्यादा हो जाएगा। अभी इसी में हम आगे देखेंगे कैसे कम या ज्यादा हो जाता है, ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। तो के की वैल्यू हो गई 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। आर क्या, अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है बेटा, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहां पे एप्सिलॉन नॉट इज दी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक बेटा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब दूसरा लेते हैं, अब ये दो चार्जेज हैं क्यू वन है ना और क्यू टू। अब इनके बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ले लिया हमने, क्या ले लिया, एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, क्या ले लिया, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। वो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वुड हो सकता है, वाटर हो सकता है, या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है, नहीं आई बात समझ में। इनके बीच में दो चार्जों के बीच में वो रख दिया तो उसकी जो परमिटिविटी होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे केवल हम ई से, सॉरी एप्सिलॉन से, ठीक है ना। तो यहां पर जब फोर्स होगा, अब कब, जब दो चार्जों के बीच में कोई चार्जेस के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है ना, तो अब फोर्स हो जाएगा 1/4πε ओनली, अब नॉट नहीं लगेगा, ठीक है ना बेटा, अब क्या लगेगा, केवल एप्सिलॉन लगेगा। तो 1/4πε क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, कोई डिस्टेंस तो वही रखी है हमने, इनके बीच की डिस्टेंस तो वही है, ठीक है। आगे अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं हम, ठीक है ना, दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे हम तो इसमें निकालते हैं हम एफ नॉट ओवर एफ, क्या किया हमने, एफ नॉट ओवर एफ, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है ना। एफ नॉट ओवर एफ करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा और एफ करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1/4πε/4πε0, नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना, 1/4πε/4πε0, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, इसको हम देखेंगे तो f f नॉट ओवर f, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया तो ये हो गया f नॉट ओवर f इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहां पे जो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट है इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कि इसी k को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट,
नहीं यही बात समझ में? ये जो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो है, इसी को क्या बोला जाता है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान से समझ लेना। अब एक चीज तो हमें पता चल गई, जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो रेशियो है। तो दो डेफिनेशन बन जाती है इससे आराम से, कुछ इसमें है केवल इसको देख के आप डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा? ध्यान रखना, ये टर्म एग्जाम्स में आपके आ सकती है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो है डेफिनेशन लिखने की। दो डेफिनेशन बनी, कौन कौन सी डेफिनेशन बनी? एक जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो फोर्सेस का रेशियो है। कौन से फोर्स? रेशियो ऑफ द फोर्स है ना बिटवीन द चार्जेस व्हेन द मीडियम बिटवीन देम इज एयर और वैक्यूम टू द फोर्स है ना बिटवीन द चार्जेस व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है ना? एक तो ये डेफिनेशन बन गई, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन बन गई जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, दूसरी डेफिनेशन बन गई कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। नहीं आई बात समझ? दो डेफिनेशन आपकी बन गई, इसी को देख के आप आराम से डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा यूज होता है, फोर्स वाला तो ज्यादा यूज होता नहीं है, ये ज्यादा यूज होता है कि के इक्वल्स टू हो गया आपका एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन। इस के को ही हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। दिस के इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के इक्वल्स टू अब हमारा आ गया, अलग से लिख लेते हैं, के इक्वल्स टू आ गया हमारा एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? अगर यहां से मैं थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के। नहीं यही बात समझ में? एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर हम देखेंगे सेकंड है ना, तो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाएगी जरा देखते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी इससे, इसको इक्वेशन नंबर अगर थ्री मान लेते हैं तो इक्वेशन नंबर सेकंड देखेंगे क्या हो जाएगी, एफ इक्वल्स टू जो कि हमने ये इसको एफ एम लिख लेते हैं, ठीक है ना? कोई बात नहीं, इसको एफ एम, इन्होंने हमने यहाँ पे इसको एफ नॉट माना तो इसको एफ नॉट मान लेते हैं, ठीक बेटा? चलिए ये मीडियम के लिए, जब मीडियम था तो हम देखेंगे जो एफ है वो किसके बराबर होगा, 1/4 पाई। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 ओवर R2, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल मिलता है इससे, अक्सर करके मिल जाता है। तो F इक्वल्स टू क्या आ गया, F इक्वल्स टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 ओवर R। काफी सारी बुक्स में यहाँ पर K को ना एप्सिलॉन R से भी रिप्रेजेंट किया होगा, है ना? K को किससे, एप्सिलॉन R से। तो देख लेते हैं, काफी सारी बुक में K को क्या बोला गया होगा, एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि एप्सिलॉन तो रिलेटिव परमिटिविटी हो गई, ठीक है बेटा? तो ये हो जाएगा आपका F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K को बोल देंगे ER डॉट Q1 Q2 ओवर R। उसका ये भी एक फॉर्मूला हो सकता, अंतर कुछ नहीं है, ठीक है ना? अंतर कुछ नहीं है, इसको हम रिलेटिव, इसका नाम एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट का नाम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है और रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव का मतलब होता है दो परमिटिविटी का कंपैरिजन या रेशियो। कभी भी हमने काफी सारी चीजें 11th क्लास में भी पढ़ी है कि रिलेटिव का मतलब होता है एक का कंपैरिजन दूसरे के साथ, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे किस चीज का कंपैरिजन होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए इसको ई ओवर एप्सिलॉन नॉट को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल देते हैं। किसकी रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। नहीं आई बात, ध्यान रखना, ई एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है? और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एप्सिलॉन आर से। पहले इसी को लेते हैं, ये ज्यादा यूज हो रहा है अभी, ये कम यूज होगा, है ना? के जो कैपिटल के है ना, ये बुक्स में ज्यादा यूज होगा। के की वैल्यू अब जरा देखते हैं, वाटर है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर। वाटर क्या है, एक इंसुलेटर है, वाटर इज अ इंसुलेटर, तो इसको हम बोल सकते हैं वाटर इंसुलेटर है। वाटर एक डाइइलेक्ट्रिक भी है, वाटर क्या है, डाइइलेक्ट्रिक भी है। तो वाटर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो 81 होती है। वाटर के लिए क्या होती है, के की वैल्यू 81 होती है। जब वाटर के लिए के की वैल्यू 81 होती है तो जरा इस इक्वेशन को देखेंगे, ये हमने 3 मान ली, इसको 4 मान लें, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 4, है ना,
वाटर की ये लिखी, अगर दोनों चार्जेस के बीच में जो दो चार्जेस हैं, ये हमने ये लिया है ना, मैंने दो चार्जेस हैं उनके बीच में अगर वाटर है तो फोर्स कितना हो जाएगा, जरा देखेंगे फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 × 81 Q1 Q2 / r². अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 1/81 × 1/4πε0 Q1 Q2 / r², इसका ये आप देखो F नॉट के बराबर है, तो F इक्वल्स टू हो गया 1/81 · F0। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल में पूछा जा सकता है, यानी कि कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में आ गया तो वो दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स लग रहा है उसको कम कर देगा, तो जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा उतने टाइम्स कम हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई भी अगर मीडियम उनके बीच में आता है ना, दो चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम आता है तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स उतने टाइम्स कम हो जाएगा जो एयर की प्रेजेंस में रहा होगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वाटर की प्रेजेंस में जो दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 1/81 टाइम्स है जब दोनों चार्जेस के बीच में क्या थी, एयर थी। नहीं आई बात समझ में, इससे भी कॉन्सेप्चुअल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये रहे आज के टॉपिक, और काफी लंबा वीडियो रहा ये, और आई होप आपको सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा चलाइए, ऑनलाइन है, बार बार आप चला के इसको समझ सकते हैं, तो बार बार देखिए जब समझ में नहीं आता है। मैंने हर पॉइंट को कोशिश की है कि जब आप बुक पढ़ोगे आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं दिखेगा कि जो आपको इस वीडियो में नहीं बताया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ख़त्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अगेन मैं सबसे बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। सब अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस की वजह से जो है लॉकडाउन चल रहा है, और ये लॉकडाउन अभी 21 दिन का हुआ है, 21 दिन के बाद ये लॉकडाउन हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, तो इसलिए आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो तो टॉपिक्स को हम ऑनलाइन आपको दे रहे हैं, अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ घर पर सेल्फ स्टडी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।